सुजानपुर में डंपिंग साइट को लेकर नगर परिषद सुजानपुर भी सक्रिय हो गया है और एसडीएम के साथ नगर परिषद ने बैठक का आयोजन करके डंपिंग साइट को जल्द बनाने के लिए चर्चा की गई है। वहीं बैठक में डंपिंग साइट को लेकर स्थल का चयन करने के लिए भी सहमति बनाई गई है। बैठक में नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में ही डंपिंग साइट बनाने के लिए जल्द काम किया जाएगा। सुजानपुर नगर परिषद की डंपिंग साइट को लेकर उपजे विवाद से अभी निजात मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि ग्रामीणों के विरोध के चलते अब डंपिंग साइट को लेकर प्रशासन भी चिंतित हो गया है। ज्ञात रहे कि नगर परिषद सुजानपुर के लिए डंपिंग साइट बनाने के लिए अब कवायद तेज हुई तो एनजीटी के द्वारा भी 1.5 साल पहले डंपिंग साइट बनाने के लिए जगह चयनित करने बारे आदेश दिए गए थे, लेकिन इस बाबत भी नगर परिषद ने कुछ नहीं किया था। डंपिंग साइट बनाने को लेकर एसडीएम कार्यालय से लेकर तहसीलदार कार्यालय और नगर परिषद में भी अब अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मशगूल हो गए हैं, जिस कारण जनता को भी अपने काम करवाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही है। नगर परिषद के अध्यक्ष रमन भटनागर का कहना है कि नगर परिषद सुजानपुर की अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद के एरिया में ही डंपिंग साइट बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कूड़े कचरे के ढेरों से जल्दी सुजानपुर की जनता को निजात मिलेगा। सर, जो नगर परिषद में कूड़े की समस्या बनी हुई है कई दिनों से और कचरे के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं, सर इसके बारे में आप क्या प्रावधान नगर परिषद कर रही है? सर, आज एसडीएम साहब सुजानपुर ने नगर परिषद मीटिंग रखी थी, उसमें तहसीलदार साहब भी आए थे और नगर परिषद के सभी मेंबर उप प्रधान सभी थे, और उसमें यह फैसला लिया गया कि नगर परिषद के 9 वार्ड में जहाँ भी सरकारी भूमि मिलती है वहाँ पर डंपिंग साइट बनाई जाएगी। सर, नगर परिषद के कार्य में मतलब सभी वार्डों में नगर परिषद के जो कचरे का ढेर है वो आज देखने को मिल रहे हैं, लोग भी शिकायतें लेके आपके द्वार पहुंच रहे हैं, परंतु नगर परिषद 2 सालों से कहां पर सोई हुई थी कि मतलब उसको आज तक पता ही नहीं लगा कि नगर परिषद की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है, परंतु अधिकारियों द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया इस बारे में। चलो, जो हो चुका वो आज हम देखेंगे और इसकी समस्या को आज जो है खत्म किया जाएगा। सर, जो गांवों में जो पंचायतों में जगह देखी गई थी उसमें क्या मतलब अब मतलब आ रहे हैं सर, क्या इशू इसमें आड़े आ रहे हैं सर, क्या हो रहा है? मतलब तो लोग विरोध कर रहे हैं कि सुजानपुर का कोड़ा हम नहीं लेंगे, तो वहां भी सरकारी जगह, बाकी तो वो कोर्ट ही फैसला करेगा। सर, आज एसडीएम साहब के साथ महोदय के साथ आपकी मीटिंग थी, उसमें क्या निर्णय नगर परिषद अध्यक्ष मतलब क्या लिया गया है उसमें? सभी पार्षदों का एक मत है कि सुजानपुर नगर परिषद में जहां भी सरकारी भूमि मिलती है वहां पर डंपिंग साइट बनाई जाए और जो ये जो गंभीर समस्या बनी है कूड़े की, इससे छुटकारा मिल सके शहरवासियों को। गौरतलब है कि सुजानपुर नगर परिषद एरिया में लंबे समय से खुले में ही कूड़े को फेंका जा रहा है, जिस कारण गत 1.5 साल पहले एनजीटी ने भी नगर परिषद को फटकार लगाई थी। वर्तमान में सुजानपुर शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, वहीं आज तक डंपिंग साइट नहीं बनाए जाने पर नगर परिषद एरिया पूरी तरह से फैल रहा है, जिसका खामियाजा नगर परिषद के लोगों को आज तक उठाना पड़ रहा है।